हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक हैं और घर पे हैं और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं ताकि आप सब सेफ़ रहें और आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी सेफ रह सकें। आज हम 3ds Max सॉफ्टवेयर पे वर्क करने जा रहे हैं और आज का हमारा इसका टॉपिक है प्रोसीजरल टोपोलॉजी। तो प्रोसीजरल टोपोलॉजी पे आज हम वर्क करेंगे और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आपकी प्रोसीजरल टोपोलॉजी होती क्या है और कैसे वर्क करती है। इसके ज़रिए आप काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग शेप्स और डिज़ाइंस बना सकते हैं, चाहे आप आर्किटेक्चरल मॉडलिंग कर रहे हो, या गेम्स के लिए मॉडल कर रहे हो, या फिर एनवायरनमेंट डिज़ाइन कर रहे हो, या फिर इवन मूवीज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, मूवीज़ और एनिमेशंस के लिए आप उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है 3ds Max का। यूजुअली लोग इस पर नोटिस नहीं करते हैं, बट ये भी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है और थोड़ा ये अलग हटके है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे और मुझे रिस्पॉन्स देंगे कि क्या आपको ये कैसा लगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, आपका प्रोसीजरल टोपोलॉजी से आप किस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके डिज़ाइंस हैं, नॉर्मली आप इसे मैनुअली क्रिएट करने लगोगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन अगर आप जनरेट टोपोलॉजी फीचर का यूज़ करते हैं और उसकी मदद से आप प्रोसीजरल टोपोलॉजी बनाते हैं, तो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग इन शेप्स को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट भी नहीं होगा और आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट बन के मिल जाएगा। सो हम जाते हैं मैक्स पे। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हो, ये आपके मेशेज हैं, मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगा। सो अभी मैं आपकी एज फेसेस मोड बंद कर रहा हूँ F4 प्रेस करके। तो आप देख सकते हो कि कुछ आपका टाइल्स के फॉर्म में डिज़ाइन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको आप शेल्फ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, थोड़े रैंडम शेल्फ्स डिज़ाइन बनाने हैं आपने, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपका फ्लोरिंग के लिए यूज़ हो सकता है, फ्लोर टाइल्स। ये आपका वॉल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये रहा आपका मेश, जो कि मैं बोल ही रहा था कि आपका ट्रांसपेरेंसी है, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से। आपका ये होल्स है, तो ये हनीकॉम मेश के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ये भी आपका स्ट्रक्चर कुछ डिज़ाइंस में, जैसे आपके कई सारे स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस होते हैं जहाँ पे हनीकॉम आपका मेशेस पे या आपके आउटर स्ट्रक्चर पे बना हुआ होता है, कई सारे प्रोडक्ट्स पे, तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। ये आपके फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, वुडन प्लैंक्स। या आपका टेटर्ड फॉर्म में, आपका जैसे कि क्लॉथ मटेरियल या उसमें आपने किसी चीज़ में अपने होल्स दिखाने हैं, तो टैटर्ड वे में इसको यूज़ कर सकते हैं होल्स और नॉल दिखाने के लिए। एंड ये आपका मेश हो गया, क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉस मेश। ये आपका नकल्स हो गए, डायमंड नकल पैटर्न, जो आपके ग्रिप्स पे या नॉब्स पे आपको यूजुअली मिलते हैं, ठीक है। ये आपका है फ्लोरिंग, ये आप टाइल्स फ्लोरिंग, रैंडम टाइल फ्लोरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये आपका ग्लास पैनल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, जहाँ आपके मोजाइक स्टाइल में आपके ग्लासेस लगे हुए होते हैं, कलरफुल ग्लास पैनल्स होते हैं आपके, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस हम बना सकते हैं और ये बहुत ईजीली बनाए जा सकते हैं। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे, अब मैं आपको इनको बनाना बताऊँगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ फ्रंट व्यू में, टॉप में जाते हैं, टॉप व्यू में जा रहा हूँ। टी दबाया मैंने टॉप के लिए, इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। डब्ल्यू प्रेस किया, इनको मैं साइड कर दे रहा हूँ तब तक के लिए। इसमें से एक को, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाऊंगा इसके लिए प्लेन्स। तो प्लेन बनाया मैंने, सो इस प्लेन पे मैं मॉडिफाई पैनल में जाऊंगा, इसके लेंथ और विड्थ को मैं 4 कर रहा हूँ, सेगमेंट्स में इसमें दे रहा हूँ 19, क्योंकि आपको अच्छे खासे सेगमेंट्स चाहिए, अदरवाइज आपको उस तरह का पैटर्न नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे भी दे रहा हूँ मैं 19 कर रहा हूँ, मैं ऑड ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो कुछ भी है ले सकते हैं। मुझे ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है, तो मैं इसलिए ये वाली वैल्यूज़ का प्रेफर इन वाली वैल्यूज़ को प्रेफर कर रहा हूँ। सो 19 19 आई थिंक इतना ठीक है मेरे इसके लिए। सो ये एग्जैक्टली कुछ इसी तरह का है आपका, इसको मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, सॉरी, ये
या इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसके कुछ डुप्लीकेट्स लेंगे, पर पहले मैं इसका कलर स्विच कर लेता हूँ और इस पर एडिट पॉली मॉडिफायर लगा लेता हूँ। यहाँ से मॉडिफायर लिस्ट में जाके मैंने एडिट पॉली मॉडिफायर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, ताकि मैं इसकी सब कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर सकूँ। इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट टू डायरेक्टली पॉलीगन्स, मैं इसको एडिट पॉली में कर रहा हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये मॉडिफायर का यूज़ कर रहा हूँ मैं इसका। अब इसके डुप्लीकेट्स लूँगा मैं, शिफ्ट किया मैंने लाइक थ्री, कुछ डुप्लीकेट्स ये ले लिए, कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसके डुप्लीकेट्स ले लिए। ये मैंने इसलिए इतने लिए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। सो अभी के लिए मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूं एंड इसे आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसे आइसोलेट कर लिया, मेरे पास कुछ और नहीं है। सो अब इसको हम ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो यहाँ टूल यूज़ करना है वो आपका जनरेट टोपोलॉजी टूल है, और वो आपका पॉलीगन मॉडलिंग रिबन्स में आपको मिलेगा, जो आपके रिबन ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर मिलेगा। यूजुअली आपके रिबन ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं, यहाँ आप देख सकते हो मॉडलिंग फ्री फॉर्म, ये आपका लिखा हुआ है, ये आपके रिबन्स ये खुल रहे हैं। आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे शो फुल रिबन, तो आप पूरा रिबन देख सकते हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो, ये ओपन ना हो, तो आप इसे कहाँ से ओपन कर सकते हैं? आप यहाँ कस्टमाइज में जाएंगे, कस्टमाइज में जाके आपका होता है यहाँ पे शो यूआई। शो यूआई में आपने यहाँ पे ये देखेंगे, आप यहाँ शो रिबन लिखा हुआ है, अगर इसके आगे टिक नहीं है तो उस पर क्लिक करिए, और क्लिक करते ही आपका रिबन ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे कि अभी मैं इसे बंद कर दिया। अब मैं अगर कस्टमाइज में जाके शो यूआई में जाके शो रिबन करूँगा, तो आपका ये रिबन ओपन हो गया। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसमें, तो रिबन मेरा ऑप्शन ओपन हो गया, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा शो फुल रिबन। अब यहाँ पॉलीगन मॉडलिंग में आपका नीचे आता है जनरेट टोपोलॉजी, तो हमने इस ऑप्शन को यूज़ करना है, तो हम ये जनरेट टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टोपोलॉजी टूल यहाँ पे ओपन हो गया। टोपोलॉजी बेसिकली आपके मेश के डिज़ाइन से रिलेटेड है, कि आपका जो मेश है उसमें आपकी एजेस, लूप्स और आपके वर्टिसेस कहाँ पे आ रहे हैं, सेगमेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो बेसिकली ये आपका इस तरह के वैल्यूज़ को एडजस्ट करने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए है। आपकी टोपोलॉजी बेसिकली आपका एज फ्लो और ये आपका स्ट्रक्चर होता है, कि आपका ये मेश कैसे जा रहा है, आपकी लाइन्स कहाँ, सेगमेंट्स कहाँ पे, बेसिकली इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये प्रोसीजरल टोपोलॉजी है, प्रोसीजरल इन द सेंस कि ये आपका मैथमेटिकली जनरेट हो रही है, इसमें हमें मैनुअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम प्रोसीजरल टोपोलॉजी से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये लिया मैंने, एडिट पॉली मोड पे है, सो इस पे मैं पहला ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, तो ये आपका है वॉल का, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, मैंने वॉल ऑप्शन ट्राई किया। आप देख सकते हो ये कुछ आपके मेश में आपके जो सेगमेंट्स थे उनमें चेंज आया है। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। अभी आपकी मेश, आप टोपोलॉजी को देखिए, आपका जो मेश है इसके जो सेगमेंट्स हैं ये किस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से इक्वली डिवाइड, इक्वल सेगमेंट्स में आपका, एक तरह से कह सकते हैं बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं और इक्वली सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो अब मैंने इसका यूज़ किया वॉल वाले ऑप्शन का। अब आप देख सकते हैं कि हर सेगमेंट आपका अलग अलग हो गया है, आपका काफ़ी सारे डिफरेंट शेप्स और साइज़ में ही आपको स्क्वायर्स मिल रहे हैं, इवन रेक्टेंगल्स भी हैं इसके अंदर। सो आपका सेगमेंट्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो बेसिकली इस तरह की मैनुअली आपको टोपोलॉजी ना जनरेट करने पड़े, उसके लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहला था हमारा वॉल का यूज़ करके मैंने ये बनाया। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट सी शेप्स आ गई हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके क्वाड्स मेंटेन नहीं रह रहे हैं, तो आपके मतलब पॉलीगन्स बन जा रहे हैं, कोई फाइव साइडेड है, कोई सिक्स साइडेड है, कोई सेवन साइडेड है, तो इट्स नॉट प्रॉपर पॉलीगन्स। तो आपके लूप फीचर्स या लूप फंक्शंस काम नहीं करेंगे इसमें ढंग से, और बहुत सी आप इसमें टर्बो स्मूथ एकदम से ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी मेश में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन, हम इसको कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए या कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने फ्लोरिंग बनानी है, कुछ आपने प्लैंक्स बनाने हैं,
अब जैसे ये है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो इस तरह की आपकी रैंडम टाइलिंग कई सारे फ्लोर पैनल्स में होती है, या आपके वॉल के वुडन पैनल्स होते हैं जहाँ आपके ऐसे इस तरह से वुड के पीसेस को जोड़ के वुडन पैनल्स बना रखे होते हैं दीवारों पर इंटीरियर के लिए, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, एक बार मैंने ये प्रोसीजर टोपोलॉजी इस तरह से जनरेट कर ली, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फेस मोड पे जाऊँगा, यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं या 4 प्रेस कर दीजिए, आपका पॉलीगन ऑप्शंस में आप चले गए। ठीक है, तो आपने एक सेलेक्ट किया पॉलीगन, मैंने उसके बाद किया कंट्रोल ए, तो आपके सारे पॉलीगन सेलेक्ट हो गए कंट्रोल ए से। अब इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने राइट क्लिक करना है, आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे इनसेट, इनसेट के आगे बॉक्स है, इस पर क्लिक करूँगा, आपके ऑप्शंस खुलेंगे, यहाँ से मैं इनसेट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हो क्या रहा है कि आपका इनसेट सिर्फ मतलब प्रॉपर ये अभी पूरा टोटल एक साथ ग्रुप का इनसेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ग्रुप का नहीं चाहिए, मुझे इंडिविजुअल पॉलीगन्स का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ग्रुप से जाऊँगा, बाय पॉलीगन पे क्लिक कर दूँगा, मुझे बाय पॉलीगन चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक इंडिविजुअल आपका अब इंडिविजुअल पॉलीगन्स में आपका इनसेट हो रहा है। सो मैं एक सर्टेन डिस्टेंस दूंगा, जितना मुझे सही लग रहा है, सूटेबल लग रहा है मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये मैंने किया, टिक करा। अब आप देख सकते हैं ये आपके अभी भी पॉलीगन फेसेस सिलेक्टेड है, मुझे इनको डीसेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप नॉर्मली इसको देखें तो ये आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें सेगमेंट्स हैं, तो अभी ये आपका कुछ डिफरेंट नज़र आएगा रेंडम में, लेकिन अभी ये सिंगल एक प्रॉपर फ्लैट प्लेन है। अगर मैं F4 करके इसके सेगमेंट्स हटा दूँ और इसको बाहर मोड़ पाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें कुछ खास चेंज नहीं दिखेगा, कोई ऐसा चेंज नहीं है, मेश आपका पूरा प्रॉपर प्लेन ही नज़र आ रहा है, तो इट्स नॉट डिफरेंट। तो हम वो चेंजेस कैसे दिखा सकते हैं, तो पॉलीगन्स में वापस गया, आपके पॉलीगन्स ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, मैं इसे दूंगा थोड़ा सा एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, एक्सट्रूड ऑप्शन को ऑन करूंगा, ये मैंने एक्सट्रूड किया, जितनी वैल्यू मुझे चाहिए उतना दिया, ठीक है, बाहर क्लिक कर रहा हूँ सब डिविजन सब कंपोनेंट मोड से बाहर आने के लिए। अब आप देख सकते हैं F4 दबा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ, अब आपको मेश में कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे। अब इसमें आपको डेप्थ मिल रही है और इवन आपके चेंजेस आ रहे हैं, सो बेसिकली आपका मेश में वो डेप्थ और आपको गैप दिख रहा है। तो ये जो आपकी पॉलीगन्स थे ये सारे एक्सट्रूड हो गए और बीच में आपको गैप मिल गया, जो यूजुअली आपके टाइल्स के बीच में आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा। सो इससे आपका एक प्रॉपर डिज़ाइन मिल रहा है, जिससे आपको फील होता है कि आपके जो प्लैंक्स हैं या फिर आपके जो पैनल्स हैं वो सारे अलग अलग हैं। तो इस तरह का डिज़ाइन आपका फ्लोरिंग के लिए, वॉल पैनल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक था आपका डिज़ाइन, अब मैं इसे आइसोलेशन से बाहर आ रहा हूँ, नेक्स्ट वाले डिज़ाइन पर वर्क करेंगे हम लोग, ठीक है, देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से। सो नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, इसे आइसोलेट कर लेते हैं वापस टॉप व्यू में, और मैं वापस से F4 प्रेस करके एच फेसेस मोड में जाऊंगा, दोबारा से इसमें मैं आपका वॉल पैनल वाला ही यूज कर रहा हूँ, मैंने इसको क्लिक किया, आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिल रहा है। फिर से इसमें वही प्रोसेस मैं इसमें करने जा रहा हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए, सबको सेलेक्ट किया, इनसेट करूँगा, माय पॉलीगन, इस बार थोड़ा इनसेट वैल्यू ज़्यादा दे दूँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये आपका सेलेक्टेड हैं उसी तरह से, ये ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर था, इस बार थोड़ा सा चेंज है। अब मुझे ये जो आपके प्लैंक्स हैं ये नहीं, बल्कि इनके आपके अपोजिट जो ये छोड़ रखे हैं, जो अनसेलेक्टेड हैं, उन्हें सेलेक्ट करना है। जो अभी सेलेक्ट हो रखे हैं पैनल्स या आपके पॉलीगन्स, हमें वो नहीं, हमें उसके अपोजिट जो आपके अभी अनसेलेक्टेड हैं वो चाहिए। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल आई, कंट्रोल आई करते ही आपका सिलेक्शन इनवर्स हो जाएगा, तो आपके अपोजिट प्लैंक्स ये सॉरी
जो पॉलीगन फेसेस हैं जो आपके अनसिलेक्टेड थे वो सिलेक्ट हो गए। सो अब आपको ये मिल गए इस तरह से। इस पर राइट क्लिक करूँगा मैं, यहाँ प्रोसेस करूँगा मैं ऑप्शन एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड ऑप्शन लिया मैंने और ये मैंने एक सर्टेन हाइट दे दी है इसको। सो आप ये देख सकते हैं ये आपको एक शेल्फ्स के तौर पे डिज़ाइन मिलेगा। अगर आपने कहीं कोई लाइब्रेरी रूम बनाना है या फिर आपने वॉल शेल्फ्स दिखानी है तो उसके लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन डिज़ाइंस को। अगर आपको इतने नंबर ऑफ़ शेल्फ्स नहीं चाहिए तो आप सेगमेंट्स को कम रखें, आपको कम शेल्फ्स मिलेंगे, सॉरी कम पैनल्स ऑप्शन मिलेंगे, तो आप उनको शेल्फ्स को कम रख सकते हो। तो एक रैंडम लुकिंग शेल्फ पैनल आप बना सकते हो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन के तौर पर यूज़ हो सकता है आपका इंटीरियर्स के लिए, ठीक है। पजल्स, मेजेस, इस तरह से चीज़ें आप बना सकते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। तो ये दो तरह के आपके डिज़ाइंस हो गए। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं हम लोग। इसको आइसोलेट करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो आपका है टाइल्स। तो ये क्लिक किया मैंने, अब ध्यान से देखोगे अब ये आपका टाइल्स अरेंजमेंट में चेंज हो गया। तो ये आपका टाइल्स वाला अरेंजमेंट है। इसमें भी हमने वही प्रोसीजर फॉलो करना है। प्लैंक्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए, इंसर्ट बाय पॉलीगन्स, उसके बाद एक्सट्रूड, आप चाहें तो एक्सट्रूड की जगह यहाँ बेवल भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रूड किया है तो आप थोड़ा सा एक आपको डेप्थ का फील मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको एक्सट्रूड नहीं चाहिए, एक्सट्रूड की जगह यहाँ पे हम बेवल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा और डिफरेंट लुक दिया जा सके। राइट क्लिक करूँगा, बेवल का यूज़ करूँगा, ये मैंने एक सर्टेन हाइट दी, थोड़ा सा बेवल कर लेते हैं। हम देख सकते हैं F4, इस तरह से आपको टाइल्स मिल जाएंगी जो आपके फ्लोर प्लैंक्स के लिए यूज हो सकती हैं। ये आपका एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, ढंग से लेआउट हो रखा, ठीक है। आप इसको ब्रिक्स के लिए वॉल पे यूज़ कर सकते हो, फ्लोर्स के लिए, फ्लोरिंग पैनल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, वॉल पैनल्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है, इसको सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रिक के लिए, ये ब्रिक पैटर्न पर इस पर क्लिक करते ही आप देख रहे हो कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है और इस पर क्लिक कर रहा हूँ बट नथिंग इज़ हैपनिंग। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके लिए हमें ब्रेक वाले ऑप्शन के लिए हमें पहले एक एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो एज के लिए हम पहले एज मोड पे जाएंगे, टू प्रेस कर लीजिए या यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, एक एज को सिलेक्ट करेंगे और मैं इस पर क्लिक करूँगा ब्रेक। तो आपका ब्रेक का अरेंजमेंट इस तरह से आ गया, ठीक है। अगर आपको ब्रेक अरेंजमेंट कुछ थोड़ा इस तरह से चाहिए कि आप, मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया और तब मैं करता हूँ ब्रेक, तो आपके ब्रिक पैनल अरेंजमेंट कुछ ऐसे में आएगा, ठीक है। अगर आपको वर्टिकली अरेंज चाहिए तो आप ये वाली एज इसको सिलेक्ट कीजिए, और आपको हॉरिजॉन्टली अरेंज चाहिए तो आप इधर वाली एज इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमें अभी हॉरिजॉन्टल चाहिए तो मैं इसे हॉरिजॉन्टल मोड पे करूँगा। सो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी आपकी वर्टिकल लाइन सेलेक्ट की, तब आपको हॉरिजॉन्टली इस तरह से अरेंजमेंट मिलेगा। अगर आपने वर्टिकल लेना है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने लिया, अब मैंने किया, आपको इस तरह से ब्रिक स्ट्रक्चर मिल रहा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक पॉलीगन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, राइट क्लिक, इंसर्ट बाय पॉलीगन्स, ये जो गैप मैं ज़्यादातर चीज़ों में दे रहा हूँ ताकि आपका डिफरेंशिएट करने के लिए है कि आपके सारी चीज़ें पार्ट्स अलग अलग हैं और थोड़ा आपको एक जो डेप्थ मिलती है उसका फील लाने के लिए। ठीक है, मैंने
उसके बाद मैंने इसे बेवल लिया, एक्सट्रूड जो मुझे करना है मैं उस हिसाब से इसे कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का ब्रिक स्ट्रक्चर मिल रहा है। सो आपके वॉल्स के लिए आसानी से यूज किया जा सकता है। एक सर्टेन डेप्थ आ रही है आपकी चीज़ों में, तो ये हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे आइसोलेट कर रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ, सॉरी आइसोलेशन से। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, सब कंपोनेंट मोड में F4 किया मैंने। अब यहाँ मैं वो हनीकॉम स्ट्रक्चर टाइप बनाने की कोशिश करूँगा, बट उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ कैसा बनता है। तो इसमें भी आपको एच सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैंने एच पे गया, वो एक एच सेलेक्ट कर ली। एंड नेक्स्ट आपका ये जो ऑप्शन है हाइव वाला, हाइव ऑप्शन बेसिकली आपका वो हनीकॉम स्ट्रक्चर के लिए है। हाइव या हनीकॉम स्ट्रक्चर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके बीज के जो नेस्ट होते हैं उनमें जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ कॉम स्ट्रक्चर जो आपके होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, तो हनीकॉम स्ट्रक्चर कहा जाता है। हाई स्ट्रक्चर्स आपके ये हो गए, तो ये क्लिक करते ही कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है। अगर मैं ये वाली एच को सिलेक्ट करता एंड देन इसको करता तो आपको कुछ ऐसे अरेंजमेंट मिलेगा। लेकिन अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि दे आर नॉट लाइक प्रॉपरली, ये आपके खींचे हुए से लग रहे हैं, दे आर लुकिंग लाइक स्ट्रेच्ड। सो प्रॉपर एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे स्ट्रेच से लग रहे हैं और इक्वल अरेंजमेंट में नहीं आ रहे, मतलब डायमेंशन एक जैसी नहीं लग रही है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपके इसके वर्टिकल जो सेगमेंट्स हैं उनको थोड़ा कम करूँगा, प्लेन मोड में गया, इसके विड्थ सेगमेंट्स को सॉरी आपके लेंथ सेगमेंट्स को इसको कम करके देखता हूँ 15। ठीक है, अब इस पर ट्राई करते हैं। थोड़ा बेटर हो रहा है, तो अभी हमें थोड़ा सा और कम करने की ज़रूरत है, इसको 13 कर देते हैं। फिर मैंने किया, तो अब देख सकते हैं काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट है। और चाहें तो हम और कम कर सकते हैं, हम इसको 11 करके देख लेता हूँ। सेलेक्ट किया एंड अप्लाई किया, तो आप देख सकते हो इस तरह का आपको अरेंजमेंट मिल रहा है एंड दिस लुक्स रियली गुड। सो इसको भी हम काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट के तौर पे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं इससे बाहर आ रहा हूँ, मैं इसका एक डुप्लीकेट और ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इसे कॉपी एक कॉपी ले ली मैंने क्योंकि मैं दो तरह के डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ इससे, तो एक ही लिया मैंने। इसमें भी मैं वही करूँगा, पॉलीगन सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, ठीक है, राइट क्लिक करूँगा, इनसेट बाय पॉलीगन्स, ये किया मैंने। अब इन फेसेस को मैं सिंपली डिलीट कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हनीकॉम मेश आपको मिल जाएगा। अब इसमें डेप्थ नहीं है आपकी, तो थोड़ा सा डेप्थ के लिए हम इसमें शेल डाल सकते हैं ताकि आपको थोड़ी थिकनेस मिल जाए इस तरह से। सो इनर अमाउंट आउटर अमाउंट जो आपको सूटेबल लग रहा है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का आपको मेश स्ट्रक्चर मिल रहा है जो हम हनीकॉम स्ट्रक्चर कहते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रिल्स बनाने के लिए, आपके कई सारे चीज़ों में आपके इस तरह के पैटर्न्स होते हैं, कई बार आपके कार्स के ऑटोमोबाइल्स के ग्रिल्स में आपके इस तरह के डिज़ाइन होते हैं, और भी कई सारी सिचुएशंस में इसका यूज़ किया जा सकता है।
बैकग्राउंड्स के लिए, विंडोज़ के लिए, विंडोज़ की ग्रिल्स भी ऐसी हो सकती हैं इनकी इंटरेस्टिंग लुक देने के लिए। नेक्स्ट आपका ये वाला जो ऑप्शन है, इस वाले में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, सेलेक्ट किया कंट्रोल ए, इसको भी वही करेंगे हम, इनसेट बाय पॉलीगन, ठीक है। ये क्या, इसमें भी वही करना है, इसको हमने टेक किया। अब इसके सिलेक्शन को मैं इन्वर्स करूँगा क्योंकि मुझे बाहर के वो चाहिए, कंट्रोल आई किया मैंने, सिलेक्शन इन्वर्स हो गया। अब इनको मैं राइट क्लिक किया, एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रूड की जगह हम लोग बेवल यूज़ कर लेते हैं, बेवल लिया मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से और हल्का सा ये ऐसे बेवल कर दिया, तो आप ध्यान से देख सकते हैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप्स और स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हनीकॉम स्ट्रक्चर हो गया इस तरह का। बाहर आते हैं, इस पैनल की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमने कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से बना लिए, ये आपका हनीकॉम स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास है, फिर से F4 प्रेस करूँगा, ठीक है। मैं आपको सारे नहीं करके दिखाऊंगा, इसमें आपके थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप ट्राई करके देख सकते हो इससे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कुछ और एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं और इसके बता दूंगा आपको। अभी के लिए नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट डिज़ाइन मेरे को दिखाना है वो आपको ये कुछ दिखाना है, सो इसके लिए हमारा ऑप्शन है, ये भी आपका टाइल्स का ऑप्शन है, तो अगर आपने कुछ इस तरह के टाइल्स अरेंजमेंट में चाहिए, टाइल्स 2 है ये, थोड़ा डिफरेंट टाइल्स ऑप्शन है, तो ये आप कुछ जैसी ये टाइल्स आपकी बनी हुई है ऐसा ही टाइल ऑप्शन आप यूज़ करके सेम चीज़ आप इसमें भी यूज़ करके बना सकते हैं। मैं सेंडू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे नहीं यूज़ करना है। ये मोज़ाइक का ऑप्शन है आपके पास, ये हमने किया, आप देख सकते हैं ये रैंडमाइज्ड आपकी इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। अगर आपने फ्लोरिंग के लिए या कहीं पे आपने थोड़ा मोज़ाइक लुक में आपको आपको पैटर्न्स चाहिए या आपका डिज़ाइन वॉल पैनल्स चाहिए जहाँ पे आप अलग अलग पीसेस अलग अलग रफ शेप मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपके फ्लोर पैनल आपका ये जो दिखाया था ये वाला, ये उसी के लिए आपका यूज़ हो सकता है। इसमें भी वही चीज़ है, आपने कुछ नहीं करना है, पॉलीगन्स में जाइए, एक कंट्रोल ए किया सबको सेलेक्ट करने के लिए, राइट क्लिक किया, इनसेट बाय पॉलीगन, ठीक है ये किया। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा बेवल कर लीजिए, कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा। तो आपके फ्लोरिंग के लिए काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन हो सकता है, वुडन आपके प्लैंक्स के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, विंडो प्लैंक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है अब आपका, इसको आइसोलेट करता हूँ, तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन यूज़ करेंगे, अभी यहाँ पे मोज़ाइक आपका हो गया, नेक्स्ट आपका यहाँ फ्लोर है, ये फ्लोरिंग के लिए। तो अगर आपको डायगनल अरेंजमेंट में चाहिए फ्लोर, मतलब आप आपका जो रूम है उसमें भले ही आपकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से हो, आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आपका मतलब फ्लोर आ रहा हो, बट आप उसमें डायगनल लुकिंग फ्लोर पैनलिंग चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली वही टाइल्स टाइप का अरेंजमेंट है, बट इसमें डायगनली अरेंज है। ऐसे ही आपका ये दूसरा ऑप्शन भी है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, 4-2, इसमें भी डायगनल अरेंजमेंट आपको मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हो गया। आपका स्किन वाला मोड है हमारे पास है, ये आपका मोड है जिसे मैं कह रहा था, आप ग्लास पैनल्स के लिए वो में ला सकते हैं। तो
तो ये आपके जैसे मोजाइक आर्ट होता है बेसिकली, मोजाइक इसमें आपका ये है। लेकिन आपने ग्लासेस देखे होंगे कुछ विंडो पैनल्स पे, ख़ास तौर से आपको चर्चेस एंड कई सारी जगहों पे कुछ आर्किटेक्चर आपके डिज़ाइंस में आपको इस तरह के विंडोज़ मिलते हैं, जहाँ आपके कलरफुल ग्लासेस से आपके डिफरेंट डिफरेंट पीसेस से मिला के आपके विंडोज़ पैनल्स बने हुए होते हैं। सो वहाँ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी वही करना है, आपने एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक किया, उसके बाद आपने इसे इनसेट करना है बाय पॉलीगन। इसमें मैं ज़्यादा थिकनेस इसके उनको नहीं दूंगा, आपके ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी। अब मैं कंट्रोल आई करूँगा इन्वर्ट करने के लिए, इसके बाद इसको कर दूंगा बेवल, थोड़ी सी हाइट दीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और ये है मैंने इसकी, इसको कम कर दिया, तो कुछ आपको इस तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा, जो आप ग्लास पैनल्स के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको फ्लोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं ये, आपके कई सारी जगहों पे यूज़ हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने ये प्लेन पे यूज़ करना है, आप सिलेंडर्स, स्फेयर्स, कई सारी चीज़ों पे आप इनका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बट वो एक्सपेरिमेंटेशन आपको खुद करना पड़ेगा, करके देखिए तभी समझ में आएगा, ऐसे में नहीं आएगा जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये दो पैनल्स हो गए। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन था आपका, आपका जो डायमंड नकल पैटर्न है उसके लिए हम करेंगे वर्क। तो इसके लिए हम F4 किया मैंने, इसको सिलेक्ट, ये आपका ऑप्शन है, इस पे गया। तो अभी आपका, मैंने आपको स्किन बताया, इसके बाद आपका यहाँ पे होलर करके है। सो इसको मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा, तब तक हम एज डायरेक्शन मोड को यूज़ कर रहे हैं, एज डायरेक्शन वाला। तो आपके एज के डायरेक्शन को चेंज कर देगा, अभी आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जा रहे हैं, इसको करते ही आपके डायगनल्स हो गए एजेस। सो आप इसे कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के डायगनल अरेंजमेंट को। इनमें से एक है कि अगर आपने थोड़ा नकल पैटर्न टाइप आपने बनाना है, जो आपके डायमंड नकल पैटर्न आपके ग्रिप्स पे होता है यूजुअली, आपके ख़ास तौर से गन्स, नॉब्स, और आपके जहाँ मेटल नॉब्स होती हैं आपकी, उसमें ग्रिप्स होती हैं, तो उसके लिए आपका ये यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल हो सकता है इस तरह के अरेंजमेंट का। इसमें मैंने पॉलीगन को सिलेक्ट किया, ऑलरेडी सारे सिलेक्टेड हैं, राइट क्लिक करेंगे आपके इसमें, हाँ वही करेंगे, इनसेट किया मैंने पहले, इसको लिया बाय पॉलीगन, थोड़ी सी वैल्यू दी, उसके बाद राइट क्लिक किया मैंने, इसे एक्सट्रूड बेवल करूंगा, हल्का सा इसको हम बढ़ा देते हैं 0.3, आपको इस तरह का डायमंड नकल पैटर्न मिल रहा है। ये आपकी ग्रिप्स पे इस तरह से आपको डिजाइन्स काफी देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ एक्चुअल में थोड़ा सा आपका ये जो बाहर का एक्सटीरियर पोर्शंस हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो हम बनाते वक्त इसका ध्यान रख सकते हैं कि हम अगर ऐसा कुछ इश्यूज हैं तो हम पहले ही ये जो आपके इस तरह के ऑप्शंस हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया सही से भी, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सिमिलर यहाँ पे आपका ऑप्शंस होता है, मॉडलिंग में जाएंगे आप, यहाँ
यहाँ पे होता है मॉडिफाई सिलेक्शन, सिमिलर किया मैंने और ये इसके मिलते जुलते आपके सिमिलरली सिलेक्ट हो गए। ये वाला पोर्शन आपका रह रहा है, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फिर से जाते हैं मॉडलिंग में, पॉलीगन मॉडलिंग सॉरी मॉडिफाई सिलेक्शन का, सिमिलर पे सिलेक्ट किया, आपके सिमिलर टाइप की टोपोलॉजी जहाँ पे भी आपको मिलेगी सारी सिलेक्ट होगी। इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो आपका कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ जा रहा है। हम इनको और जोड़ सकते हैं बाद में, थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। F3, F4, तो आप किस तरह का डायमंड नकल पैटर्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, इसको लिया मैंने F4, आप इससे मेश भी बना सकते हैं, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया आपका मॉडलिंग ऑप्शन पे, टोपोलॉजी मॉडलिंग जनरेट टोपोलॉजी इस पर ऑन करते हैं, इसको सेलेक्ट किया मैंने, लिया इस डायरेक्शन, आपको इस तरह के एजेस मिल रही हैं। इसमें भी हम पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो पहले मैं इसे सिर्फ इंसर्ट कर लेता हूँ बाय पॉलीगन, सो समथिंग लाइक दिस किया मैंने और इनको डिलीट कर दिया फेसेस को। सो आपको कुछ इस तरह का मेश मिल रहा है। इसमें भी थिकनेस के लिए हम शेल दे सकते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। या आप किसी भी चीज़ के मेश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। नेक्स्ट आपके पास जो हमारा ऑप्शंस हैं, आपको जो वुडन पैनलिंग या फ्लोर पैनलिंग में जो दिखाना चाह रहा था, तो वो इसको हम इस पर ट्राई करते हैं। सो, यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये सिंप्लीफाई करके है ऑप्शन, इससे कुछ इस तरह का लुक आता है आपका। आप इसको सोच सकते हैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपके काम आ सके तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी कैओस है। कैओस में आपको कुछ ऐसे रैंडम डिज़ाइन मिलेंगे, जब अगर आप किसी चीज़ को बिट्स एंड पीसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कैओस यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट आपका है इसमें ऑप्शन, ये है आपका फोर्स, तो ये बेसिकली आपके फोर्स साइडेड उसमें कन्वर्ट कर रहा है, तो ये भी आप कुछ यूज़ कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। स्मूथ स्टार कुछ इस तरह के आपके स्टार टाइप की शेप बनाने की कोशिश करेगा, या फिर आप क्रॉस इसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ फ्लोर पैनलिंग के लिए यूज़ हो सकता है आपका, जहाँ आपके कुछ इस तरह के फ्लोरिंग्स होती हैं आपके, खास तौर से आपके फुटपाथ्स पे आपको इस तरह के डिज़ाइंस मिलते हैं, तो आप उसके लिए ये पैनलिंग यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस हो गया। नेक्स्ट आपका आता है प्लैंक्स, ये आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने फ्लोरिंग बनानी है। प्लैंक्स टू इसी तरह से आपका थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थोड़े प्लैंक्स के थिकनेस और साइज़ में वेरिएशन है और अलग तरह से। एक और है आपके पास प्लैंक्स 3, ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, ऐसे ही आपके पास है प्लैंक 4, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं प्लैंक्स के। इसमें ये चारों बेसिकली फ्लोर पैनलिंग के लिए ही यूज़फुल है आपके, जब आपने वुडन प्लैंक्स दिखाने हैं। बट इसमें मैं जो आपका यूज़ कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट वाला आपका यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे ज़्यादा सूटेबल डिज़ाइन दे रहा है, तो मैंने ये लिया इस तरह से। अगर आपको लग रहा है कि जहाँ आपके ये स्क्वायर्स ज़्यादा छोटे बन रहे हैं, मतलब इतने छोटे छोटे प्लैंक्स आप नहीं चाहते हो, तो आप सिंपल उन एजेस को सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। कंट्रोल बैकस्पेस कीजिए एजेस को सिलेक्ट करके, और आप इसे एजेस को रिमूव कर सकते हैं जहाँ आपको ऐसा रिक्वायरमेंट महसूस हो रहा है कि इतने सारे प्लैंक्स के आपको स्क्वायर टाइप ज़्यादा नहीं चाहिए, बीच में आप रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो आपको ये खास काफ़ी इंटरेस्टिंग एक डिज़ाइन मिल रहा है। इसके बाद मैंने वही पॉलीगन्स में जाना है, एक को सिलेक्ट किया कंट्रोल ए, फिर वापस इनसेट, बेसिकली वही प्रोसीजर है सारा उसमें,
आप इसी को फॉलो करके कई सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बना सकते हैं आसानी से। तो ये मैंने किया। फ्लोरिंग है तो ज़्यादा गैप मैं नहीं दूंगा, कोशिश ये करनी कि ज़्यादा ना दें और इसके बाद हम एक्सट्रूड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपको ये वुडन प्लैंक्स की फ्लोरिंग इस तरह से मिल रही है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है जो मैं दिखाना चाह रहा था। मोस्टली मैंने मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपके कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये आपका होलर कुछ इस तरह से है। अगर आपको होल्स एंड ऑल दिखाने हैं तो आप ये होलर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, पॉलीगन्स में जाएंगे ऑलरेडी देख सकते हैं आपके होल सिलेक्टेड है तो इनको डिलीट कर सकते हैं। ये भी आपका होल्स बनाने के लिए जो वहाँ यूज़ किया है उसको वैसे फॉर्म में भी आपका यूज़ हो सकता है, या फिर आप ये टैटर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको इस तरह के होल्स एंड ऑल मिलेंगे और आपको यहाँ वेरिएशंस मिल सकते हैं। साइज़ आपको अलग अलग चाहिए, इटरेशन चाहिए, तो जैसे इसमें साइज़ आपका 1 है, आप साइज़ को मैं 2 करता हूँ एंड या 4 कर लेता हूँ और इटरेशन भी कम कर देता हूँ 1 स्मूथ। ये क्या कुछ ऐसा आ रहा है, इसको साइज़ को कम करते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे होल्स एंड ऑल मिल रहे हैं टैटर। तो अगर आपको साइज़ बड़ा चाहिए आप साइज़ बढ़ा के भी काम कर सकते थे इसमें एंड इटरेशन 2 दे देते हैं, स्मूथनेस कम कर देते हैं। ये मैंने किया तो आपको इस तरह से होल्स मिल रहे हैं। आप इनको डिलीट कर सकते हैं तो आपको कुछ इस तरह का टैटर्ड चीज़ मिलेगी जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि होल्स हो रखे हैं। तो अभी फैब्रिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ में आप ब्रोकन होल्स इस तरह से दिखाना चाहते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो टैटर बेसिकली आपका ब्रोकन या टूटा हुआ या फटा हुआ इस तरह से कुछ चीज़ें आपकी यूजेज के लिए आ सकता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं इसको थोड़ा सा शेल दे देता हूँ थिकनेस के लिए। उसके बाद हम टर्बो डाल सकते हैं अगर हमें थोड़ा स्मूदर लुक चाहिए, टर्बो स्मूथ के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका टैटर्ड लुक आएगा, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने कैसे कई सारे इंटरेस्टिंग शेप्स एंड डिज़ाइंस बनाए। हम इसका यूज़ करके और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लेन पे यूज़ करनी है, आप इवन सिलेंड्रिकल शेप्स पे भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी आपके अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, लेट्स ट्राई इट। एडिट पॉली लगाया हमने, इसमें भी मैंने एज रखी एंड अप्लाई किया आपका कुछ इस तरह का डिज़ाइन। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, आपका मैंने ये पॉलीगन सेलेक्ट किया एंड दिस पॉलीगन एंड इसको थोड़ा सा ग्रो करूँगा। ये आपके ये वाले भी सिलेक्ट हो गए एंड इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सेगमेंट्स को बढ़ा देता हूँ। पहले सिलेंडर में गया, इसके सेगमेंट्स में बढ़ा देता हूँ, लाइक 40 कर देता हूँ ये एंड हाइट सेगमेंट्स आपके दे देता हूँ इसमें मैं 20। ओके दिस मच, या इतने नहीं करते, थोड़ा इसको कम करते हैं 10। ये लिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, एच में गया, एच को सेलेक्ट किया, आपका हाइव ले लिया। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपका बन के आ रहा है एंड देन पॉलीगन्स में गया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ग्रो कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं।
आपको कुछ ये मैश मिल रहा है, एक वॉल्यूम उस लिखिए, कंट्रोल ए हैंडसेट, वही आपका बाय पॉलीगन। सो इनको अब एक्सट्रूड किया जा सकता है, इंट्रूड किया जा सकता है, आप कुछ इस तरह के डिज़ाइन भी इससे बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हनीकॉम स्ट्रक्चर ये आपका बन रहा है, तो आप इसके लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आप इन्हें और तरह की शेप्स पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप अपने मेशेस बना सकते हैं इससे। ज़रूरी नहीं था कि आपने इससे अंदर एक्सट्रूड ही करना था, आप इवन F4 उन पॉलीगन्स को डिलीट कर सकते थे, तो आपको कुछ इस तरह का मेश मिल जाता। आप इसमें थोड़ी सी शेल से थिकनेस दे सकते हैं, चाहे तो टर्बो लगा के देख सकते हैं। वैसे शेल से भी आपको काफ़ी अच्छा मेश अरेंजमेंट मिल रहा है। शेल की वैल्यू ठीक है, आप इस पर टर्बो डाल सकते हैं, टर्बो स्मूथ करके देखते हैं क्या होता है। F4 तो आप देख सकते हैं इस तरह का आपको हॉलो स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो आपने जैसे पेन स्टैंड्स बनाने हैं जिसमें आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर आपने कहीं कुछ मेश बनाना है जहां आपके पास इस तरह के सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आप वहां के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो डिपेंड करता है कि आपका आपने क्या शेप बनानी है। आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एंड शेप्स इससे क्रिएट कर सकते हैं। आपने ये ट्राई करके देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो जितना आप इसे एक्सपेरिमेंटेशन इसके साथ करेंगे, उतने अच्छे इंटरेस्टिंग डिज़ाइन आपको बनाने या समझ क्रिएट करने समझ में आएंगे। तो मैं होप करता हूँ कि मैंने ये जो मेहनत की है यहाँ पे इसके साथ, या जो आपको समझाने की कोशिश की है, ये आप समझ पाएंगे और इसको ट्राई करके देखेंगे, कुछ बनाएंगे, मुझे दिखाएंगे और जो आपके डाउट्स हैं वो पूछेंगे। एंड आज के लिए इतना ही था, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम कुछ और नया लाने की कोशिश करूँगा मैं। और प्लीज़ अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर पूछें। आप यहीं पे आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसे ट्यूटोरियल को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।